गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिलीप कुमार उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे से रह रहे होंगे, है ना, क्योंकि बहुत क्रूशल टाइम है कोरोना का। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एज वेल एज योर फैमिली। ओके बच्चों, तो आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका थंबनेल आप देख चुके हैं, जी हाँ वही टॉपिक है आपका, दैट इज़ कॉल्ड डाइस। ठीक है, ये टॉपिक है आपका बेटा लोग डाइस, हिंदी में कहते हैं इसको पासा। ठीक है बेटा, इसके बेसिकली हमारे पास फोर टाइप के क्वेश्चंस अपन लोगों को मिलेंगे। हमें जनरली ऐसे फिगर मिलता है इसका, आपने देखा भी होगा, ये इस टाइप का एक आपको पैटर्न दिखता है। ठीक है, तो इसके चार टाइप के क्वेश्चंस पर बेसिकली अपन लोगों को बात करनी है, जो कि जिसमें से तीन टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, एंड एक है जो आपका बहुत एक्सट्रीम लेवल पे क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तब आपको वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो फोर बेसिक टाइप कौन से हैं बेटा? फोर बेसिक टाइप है, नंबर वन तो आपका है जब आपको एक डाइस दे रखा हो, आपको केवल सिंगल डाइस आपको क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ आपको एक इस तरीके से डाइस मिल जाएगा और वही आपको डाइस गिवन हो वो। ठीक है, दूसरा होगा आपको मोर देन वन डाइस गिवन हो, कितने मोर देन वन, आपको एक से ज़्यादा डाइस दे रखे हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच तो नहीं पूछते बट हाँ जनरली दो तीन चार में काम चल जाता है। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट टाइप है क्या, सिंगल डाइस वन बाई वन, इनको जो मैं जिस सीरीज से करा रहा हूँ उसी सीरीज से आपको अटैम्प्ट करना है। ये क्वेश्चंस भी आपके 10 टू 15 सेकंड में ही, कुछ क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, 10 टू 15 बहुत ज़्यादा टाइम होगा, 10 सेकंड इज अ मैक्सिमम टाइम एक्चुअली, है ना, 10 सेकंड में तो मैक्सिमम टाइम है भाई। आपको कुछ क्वेश्चंस तो देखते ही सॉल्व, आपका कितने भी क्वेश्चंस आए आपको एक ग्लांस देखना है उस क्वेश्चन को और वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो प्रॉपर वन बाई वन जो उनका सीरीज है उसी क्रम में इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आपको एक सिंगल डाइस, एक आपका मोर देन वन डाइस गिवन, एक तीसरा टाइप आएगा बेटा लोग जिसको हम लोग कहते हैं ओपन डाइस, खुला हुआ पासा होगा, उसके दो पार्ट होंगे, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे, बट थर्ड पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन डाइस। एक फोर्थ पार्ट होगा जिसको हम लोग कहते हैं बेटा क्वेश्चन मार्क रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी आपको दो डाइस गिवन होंगी और मैं एक थर्ड डाइस और आएगी, थर्ड डाइस इसमें दो नंबर गिवन होंगे और एक क्वेश्चन मार्क लगा होगा, उस क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन को देखो बेटा। उसमें भी क्या सीन है कि वो जो थर्ड टाइप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें ना बेसिक वाले तो सारे लोग करा देते हैं, सब लोग उसको बेसिक वाले जो क्वेश्चन आते हैं सब करा देते हैं, जहाँ पर एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ सब बैठ जाते हैं। बैठ जाने का मतलब है कि उसको कोई कराते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो सीन क्या है, बच्चे को उसमें बहुत समझाना पड़ता है कि भैया इसको ऐसे करना है या वैसे करना है, तो उसको सब लोग स्किप कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ना तो बच्चा ऐसा क्वेश्चन कहीं से बना के लाएगा और ना ही उनको उसको एक्सप्लेन करने की ऐसी आवश्यकता पड़ेगी। ये मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली एक जनरल व्यू बता रहा हूँ कि ज़्यादातर टीचर्स उस सेक्शन को छोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि वो या तो इसी वीडियो में आज ही मैं कवर कर लूँ या फिर इसके पार्ट टू में आपको वो क्वेश्चंस कवर करूँगा। ठीक है, तो वन बाई वन, क्योंकि मुझे पता है कि ये लेंथी होने वाला है, आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए समय लगता है। देखो भाई, अगर या तो ये है कि आप एक मिनट में अगर कोई चीज़ ऐसी ख़त्म हो जाती तो सब लोग ना वो एक एक मिनट कब का ख़त्म करके और आराम से सिलेक्शन लेके बैठे होते हैं, लेकिन ये चीज़ें जितनी आप डिटेल में पढ़ते हो, जितना आप तसल्ली से पढ़ते हो, उतना लंबे समय तक आप उसको स्टोर कर पाते हो। ठीक है, तो ऐसे नहीं भाग भाग के मत करा करो, जैसे अब आप वीडियो भी देख रहे हैं तो क्या करेंगे, स्किप करके आगे देखेंगे, बेटा स्किप में आप ही को दिक्कत है यार, इतना नहीं है, सबको एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो जीबी डेटा फ्री मिला है, आराम से तसल्ली से देखो। और मेरा मानना तो यह है कि बेटा जब भी आप देखो, अगर आप पढ़ने के मूड से बैठे हो तो कॉपी पेन भी लिख के बैठो, आराम से नोट्स बनाओ, जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट भी करते जाओ साथ साथ। तुम्हारा फ्यूचर केवल तुम ही बना सकते हो, कोई दूसरा नहीं बना सकता। जब तुम डिसाइड कर लोगे कि हाँ मुझे अभी तैयारी करनी है, अभी अच्छे से पढ़ना है, तुम तभी अच्छे से पढ़ पाओगे। बकाया लोगों को देख करके अपनी ओपिनियंस मत बनाया करो। खैर ये रहा मोटिवेशन वाला पार्ट, तो उसको स्किप करते हैं और आ जाते हैं आपके मेन टॉपिक पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पार्ट कौन सा है,
ये है आपका सिंगल डाइस वाला, है ना। तो हम लोग सबसे पहला जो आपका सेक्शन है दैट इज सिंगल डाइस आपको दे रखा हो। देखो बेटा, इंग्लिश और हिंदी में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इस सेशन पे, क्योंकि हमें इंग्लिश में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो तो एक सिंपल नॉर्मल सा फैक्ट है। तो मैं आपको बस इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप चाहें तो मैं साथ साथ हिंदी में भी बोलता चला जा रहा हूँ। देखो, सिंगल डाइस मतलब सिर्फ एक आपको पासा गिवन है। अब आपको एक पासा गिवन है तो आपको क्या करना है, पहले मैं बता देता हूँ एक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको चेक करना है, चेक स्टैंडर्डिटी। आप कुछ कहेंगे कि भैया हिंदी में ही लिख देता हूँ, चलो चेक करना है आपको मानक पासा। ये एक सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको सिंगल डाइस दिखेगा आप क्या करोगे, मानक पासा चेक करोगे कि ये मानक पासा है या नहीं है। उसको करने का तरीका मैं अभी बता देता हूँ। बहुत सारी बुक्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा रहता है कि किसी भी दो अंकों का, किस सतह की किसी भी दो अंकों का जोड़ साथ नहीं होना चाहिए। आप वैसे मत करो, क्योंकि फिर आप ए बी सी डी में आएगा ना, जब कोई क्वेश्चन ए बी सी डी पी क्यू आर एस में दे रखा होगा फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सो मच बेटर है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस तरीके से ध्यान से उस चीज़ को समझना बेटा। हमेशा ध्यान रखो कि जो पासा है उसमें विपरीत सतह, विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, ये है इसका मेन मोटो। विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती मींस अपोजिट साइड्स कांट बी सीन टुगेदर, अपोजिट साइड एक साथ नहीं दिख सकती, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में, जहन में जरूर रखना। अब वो समझा देता हूँ कैसे। देखो बेटा, अगर आपको ये कोई डाइस गिवन है तो अगर आपको इसका टॉप वाला हिस्सा दिख रहा है, ये टॉप दिख रहा है, तो इसका बॉटम वाला साइड आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। ये साइड आपको दिख रहा है तो इसका बॉटम वाला हिस्सा आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर ये वाला हिस्सा दिख रहा है तो इसके अपोजिट वाली ये साइड आपको दिखाई नहीं दे रही है, और अगर आपको ये साइड दिख रहा है तो इसके अपोजिट वाली साइड आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये जो पीछे है, है ना। तो यानी अपोजिट साइड इसमें साथ साथ होती नहीं है, ओके। एक चीज़ तो ये, यानी पहली बात हमारी एक चीज़ समझ में आई कि अपोजिट साइड कभी भी साथ में दिखाई नहीं देती, ठीक है। अब समझते हैं कि मानक पासा चेक करने के लिए मैं क्या कह रहा था। कोई भी ऐसा डाइस बेटा जिसमें अगर 1 के अपोजिट 6 हो, 2 के अपोजिट 5 हो और 3 के अपोजिट 4 हो, तो वो पासा मानक पासा कहलाता है। वो मानक पासा, देखो कोई मानक पासा ऐसे डेफिनेशन में याद मत करो, मानक पासा एक मतलब एक तरीके से शुद्ध पासा है, यानी कि असली जो पासा जो सबसे पहले बनाया गया था, जो उसकी मेन थ्योरी है, या कह सकते हैं जो सबसे पहले जो पासा बनाया गया जिसको हम सही मानते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर मानते हैं, 1000, है ना। तो ये क्या है, एकदम स्टैंडर्ड है, यानी ये फिक्स है पहले से ही। तो ये फिक्स पासा कौन सा होता है, फिक्स पासा स्टैंडर्ड पासा किसको कहते हैं, इसमें 1 के पीछे 6 हो, 2 के अपोजिट 5 हो और 3 के अपोजिट 4 हो, तो इसको क्या कहेंगे, फिक्स पासा, ऐसे समझ सकते हैं, यानी सही वाला पासा। नकली पासे के लिए तो आप 2 के पीछे 8 रख दो, 1 के पीछे 5 रख दो, कुछ भी आप मतलब चेंज कर सकते हो। अगर एक भी नंबर इसमें से चेंज हुआ, 1 के पीछे आपने कुछ भी चेंज किया 6 के अलावा, 2 के इसमें कोई चेंज किया, तो वो आपका सही वाला पासा नहीं होगा, वो कैसा बन जाएगा, गलत पासा बन जाएगा, ठीक है। तो यानी सही पासा कब होता है, कोई भी पासा सही कब होगा, जब उसमें 1 के अपोजिट 6 हो, 2 के अपोजिट 5 हो और 3 के अपोजिट 4 हो। यहाँ तक बात समझ आई, यानी सही पासा कैसा होता है, जिसमें ये आपस में अंक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर, ठीक है। वन बाई वन मैं आपको चीजें समझाता हूं। देखो बेटा, अगर यहां पे मान लो आपको एक नंबर गिवन है 1, 2 और 6, ये गिवन था और इसमें क्वेश्चन पूछा था कि बताइए इसमें अपोजिट पूछा है, मान लीजिए 3 के अपोजिट टू 3 बताना है आपको, इसके 3 के अपोजिट बताना है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन केवल इतना है, ये सब हटाते हैं,
ये केवल आपका क्वेश्चन है और पूछा है व्हाट इज अपोजिट टू थ्री इन द गिवन फिगर, ठीक है, या इन द गिवन डाइस। फिगर नहीं बोलेगा, डाइस बोलना पड़ेगा, क्योंकि फिगर बोलेगा तो फिर उसका आंसर आप तय नहीं कर पाओगे, डाइस ही बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज अपोजिट टू थ्री, तो आपका काम क्या है, आपको एक सिंगल डाइस दिख रहा है, आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्टैंडर्ड, या वो मैं बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये देखूंगा क्या एक के साथ में छः दिख रहा है, बोला हाँ दिख गया, तो एक के साथ में अगर आपको छः दिख रहा है तो क्या इसमें छः एक के अपोजिट हो पाएगा। आप कहेंगे जब छः यहाँ है तो यहाँ इसकी बॉटम साइड, ये टॉप पे है ना वन, तो इसकी बॉटम साइड छः कहाँ से आ सकता है, जब छः तो यहाँ है, यानी एक के अपोजिट छः इसमें नहीं हो पाएगा, एक के अपोजिट छः नहीं हो सकता। यहाँ से बात समझ आ रही है आपके, इस गिवन डाइस में एक के अपोजिट छः नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आपस में आमने यहाँ बगल वाली साइड पर है। जब एक के अपोजिट छः नहीं है, यानी ये वाला केस नहीं है, तो ये पासा आपका सही वाला पासा नहीं है, ये कैसा है, गलत पासा है, या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। जब आपका गलत पासा है तो आप कैसे बता सकते हो कि किसके अपोजिट क्या है, तो आप ये भी नहीं बता सकते कि तीन के अपोजिट क्या है, क्यों, क्योंकि ये पासा आपका कैसा है बेटा, गलत पासा है, तो आप तय नहीं कर पाओगे कि तीन के अपोजिट कौन सा नंबर है। तो इसको क्या कह सकते हैं, या तो आप आंसर कर सकते हैं तय नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, या बेटा कभी कभी ये तो एकदम फिक्स है कि इसका आंसर क्या आना है, तय नहीं कर सकते, लेकिन आयोग क्या करता है, आयोग कभी कभी आपके साथ एक गेम प्लान बनाने की कोशिश करता है। वो क्या करता है कि इसके एक ऑप्शन में, जैसे ये पूछा है क्वेश्चन सेम है, इसके एक ऑप्शन में क्या चेंज कर सकता है, वो कह सकता है कि पूछा है तीन के अपोजिट क्या होगा, तो वो एक ऑप्शन में आपको दे सकता है चार या पाँच या सपोज करो छः या दो या एक। अब बात समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि अगर तय नहीं कर सकते, आंसर तो वही है, अगर ये ऑप्शन में गिवन ही नहीं है आपको, मान लीजिए कि तय नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो यहां क्या है, आपको ऐसे करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, है ना, पता यहां भी नहीं है, हम आपस में सारे नंबर्स को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक भी हो सकता है, दो के अपोजिट भी हो सकता है, चार के अपोजिट भी हो सकता है, पांच के अपोजिट भी हो सकता है, छह के अपोजिट भी हो सकता है, वी हैव नो आइडिया, तय यहां भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपका ऑप्शन तय नहीं कर सकते ना गिवन हो, तो ऐसे फॉर्म में अगर गिवन है तो भी आपका आंसर कैसा हो सकता है, ऐसे वाले आंसर को आप करेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि पता यहां भी नहीं है, बट इनमें से कोई भी नंबर, कुछ तो नंबर रखा होगा आपने, एक से छह तक के नंबर आप यूज कर रहे हैं, तो कोई तो नंबर इसके तीन के अपोजिट रखा होगा, तो ये आंसर बन सकता है, ठीक है। चलो अभी इसमें और मैं क्वेश्चंस को ये थोड़ा सा साफ रफ कर दे रहा हूँ, और उसके बाद में फिर हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को अगली कुछ आकृतियों में फटाफट लागू करते हैं, पांच छह आकृतियां बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि उनके आंसर कैसे कैसे आप निकालोगे, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से क्या नोट करना है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, एक तो ये कॉन्सेप्ट कि आपका सही वाला पासा, यानी एकदम करेक्ट पासा या शुद्ध पासा, मानक पासा, आइडियल पासा जो है वो वही होता है जिसमें एक के अपोजिट छः हो, दो के अपोजिट पाँच हो, और तीन के अपोजिट चार हो। और एक लाइन आपको ये समझनी है कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, ठीक है, यानी अपोजिट साइड्स कांट बी सीन टुगेदर। ये दो चीज़ यहाँ से पिक करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, तो बेटा अभी उसी चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं जो अभी आपको सिखाया। यहाँ पूछा है, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें पूछा है अंक तीन की विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा, तीन यहाँ दे रखा है, विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा, तो अभी आपको क्या सिखाया उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या बेटा, चेक कि ये मानक पासा है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखो ऐसे चेक करेंगे, दो के साथ में आपको क्या नहीं दिखना चाहिए, वहाँ पर दो के अपोजिट क्या होता था बेटा, हमने बताया ना मानक पासे में एक के अपोजिट सिक्स होता है, टू के अपोजिट फाइव होता है, और थ्री के अपोजिट फोर होता है। तो यानी अगर दो है तो अगर दो के अपोजिट एक्चुअल में फाइव होगा तो वो आपको साथ में नहीं दिखना चाहिए। यानी हम सबसे पहले यही चेक करेंगे, क्या दो के साथ में आपको पांच दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं दिख रहा, दैट इज फाइन। आपको तीन के साथ में चार दिख रहा है, बोला हाँ तीन के साथ में चार तो आया है, मतलब तीन के अपोजिट चार नहीं हो पाएगा इस
डाइस में, इसमें तीन के अपोजिट क्या नहीं हो सकता, चार नहीं हो सकता। जब तीन के अपोजिट चार नहीं हो सकता तो ये अपना मानक पासा भी नहीं है, यानी ये अपना सही वाला पासा भी नहीं है। और जब सही वाला पासा नहीं है तो मैं तो ब्रह्मा जी नहीं हूँ, जो मुझे पता होगी तीन के अपोजिट कौन सा नंबर होगा कौन सा नहीं होगा। तो आपका सिंपल आंसर क्या होगा, वहाँ अगर आप ऑप्शन चेक करिए वहाँ पर आपको दे रखा है तय नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना समय लगना है आप, आपने बस यही चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड है, मानक है या नहीं है, उसे चेक करने का सिंपल सा तरीका आगे मैंने दिया है मानक पासा, वहाँ आप समझ जाएंगे कैसे चेक करना है। फिलहाल तीन और चार एक साथ आ गए ना बेटा, तो यानी यहाँ पर अपोजिट वाले जो दोनों नंबर हैं वो एक साथ दे दिए, जो इसका मतलब ये है कि तीन और चार कभी अपोजिट नहीं हो सकते। तो जब ये अपोजिट नहीं हो सकते तीन और चार, तो ये मानक पासा भी नहीं हो सकता, और जब मानक पासा नहीं हो सकता तो हमें नहीं पता कि आपने कौन से नंबर की जगह पर क्या नंबर के अपोजिट में क्या नंबर रखा है। क्यों? क्योंकि ये पासा आपने बनाया है या गलत पासा है। ठीक है, चलो इसके एक ऑप्शन में और क्या हो सकता है। अच्छा बच्चा लग, वैसे नॉर्मली आपसे पूछूं कि तीन के अपोजिट क्या क्या हो सकता है, तो जरा दिमाग लगा के बताओ कि तीन के अपोजिट क्या क्या हो सकता है। देखो बेटा, तीन के अपोजिट कभी भी दो तो होगा नहीं, ये मैं ऑप्शन में बता रहा हूँ कि अगर ये आंसर आपको गिवन ना हो तब क्या करना है। तो बेटा तीन के अपोजिट दो तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो तो उसके साथ में आ रहा है, और चार हो नहीं सकता क्योंकि उसके साथ में आ रहा है। तो क्या हो सकता है, सिर्फ पॉसिबिलिटी तुम कह सकते हैं, या तो एक हो सकता है, या पाँच हो सकता है, या छः हो सकता है। पता हमें अब भी नहीं है, अभी भी हमारा आंसर क्या है, तय नहीं कर सकते। इनमें से किसी को मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, एक हो सकता है, या फिर पाँच हो सकता है, या छः हो सकता है। तो यानी कि अगर ऑप्शन में से आपको तय नहीं कर सकते हैं तो ये मिल जाए, तो सबसे पहले तो यही लगाना है, फिर तो आपको कुछ भी चेक नहीं करना। अगर आपका दिया हुआ पासा गलत पासा है तो आपको तय नहीं कर सकते, अगर ऑप्शन गिवन है तो आप वही हिट करेंगे, या फिर अगर आपको ये ऑप्शन गिवन है तो आपको ये वाला हिट करना है। अब आप ये मत कहना सर दोनों दे रखे हो, तो बेटा अगर दोनों दे सकते हो तो यही वाला आंसर आपका सबसे परफेक्ट माना जाएगा, जबकि वो ये दोनों साथ में दे ही नहीं सकते, आपके दोनों हाथों में लड्डू नहीं देने वाले। ठीक है ना, तो ये वाला है, आपको जैसे ऑप्शंस मिलते हैं दोनों में से कोई भी आप उसको हिट कर सकते हो। देखो एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि पाँच के अपोजिट आपको फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू द सरफेस ऑफ फाइव। ठीक है, तो यहां देखते हैं, तो हम सबसे पहले क्या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड ही चेक करेंगे। देखते हैं, तो एक के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, छ नहीं आना चाहिए। हाँ भाई, एक के साथ में छ नहीं है, ओके, यानी पहले एक मैच हो रहा है, फिर कोई सा दूसरा नंबर इनमें से उठा लो। दो के साथ क्या नहीं आना चाहिए, पांच नहीं आना चाहिए। हाँ जी सर जी, दो के साथ भी पांच नहीं आया है। अब तीसरा चेक मत करो बेटा, इतना टाइम नहीं है अपने पास, बस दो ही चेक कर लो, यानी जितना टाइम हो सकता है बचा सकते तो बचा लो, केवल दो नंबर चेक किया करो। एक के साथ छः नहीं है, नहीं है, दो के साथ पाँच नहीं है, नहीं है। यानी कि अगर एक के साथ में छः नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं एक इसके अपोजिट हो सकता है, दो के साथ पाँच नहीं दिख रहा है तो इसके अपोजिट भी हो सकता है। यानी ये कैसा कह सकते हैं हम लोग, इसको कह सकते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस, यानी ये हमारा कैसा है, मानक पासा है। और बेटा मानक पासा में तो हमें पता है ना, जब हमारा स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें पता है कौन किसके अपोजिट है, हाँ या ना। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि पाँच के विपरीत क्या है, तो पाँच के विपरीत आप बता सकते हो कि पाँच के विपरीत क्या है, दो है। अगर इसमें पूछे एक के अपोजिट क्या है तो आप बता देंगे एक के अपोजिट क्या है, छः है। अगर आपसे पूछे कि इसमें बताओ चार के अपोजिट क्या है, तो बेटा बता देंगे आप चार के अपोजिट क्या है, तीन है, या तीन के अपोजिट क्या है, चार है, बात तो एक ही है, है ना। तो ऐसे आप लोग स्टैंडर्ड ही चेक कर सकते हो। राइट, अभी क्या करता हूँ मैं, अभी यहाँ फटाफट से आपके लिए दो क्वेश्चंस और क्रिएट कर देता हूँ, फटाफट उनका भी आंसर कर दो, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से बताएंगे आप सभी लोग देख करके, किसी को कॉपी पेन तो यूज़ करना ही नहीं है, फटाफट से मुझे चेक करके बताओ। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि बताओ सिक्स के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, सिक्स के अपोजिट बताना है आपको कि क्या होगा। डाइस आपके सामने कुछ इस तरीके से, इसमें है दो, तीन और पाँच। फटाफट चेक करके बताइए कि इसमें व्हाट इज अपोजिट टू सिक्स। तो क्या चेक करेंगे, स्टैंडर्ड ही चेक करेंगे। दो के साथ में क्या नहीं दिखना चाहिए, पांच नहीं दिखना चाहिए, और यहां पे दिख रहा है। दो के साथ पांच नहीं दिखना चाहिए था, यहां दिख रहा है, मतलब ये गलत पासा है, और गलत पासे का आंसर क्या होगा आपका, तय नहीं कर सकते।
ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तय नहीं कर सकते। क्लियर। एक और डाइस बना लेते हैं, फटाफट से बताओ। टू फोर एंड सिक्स, फटाफट से आपको बताना है यहाँ पे टू के अपोजिट क्या होगा, यहाँ बताना है आपको टू के अपोजिट क्या होगा। तो चेक करते हैं बेटा, दो के अपोजिट क्या नहीं होना चाहिए, यानी दो के साथ आपको यहाँ क्या नहीं दिखना चाहिए, दो के साथ आपको पाँच नहीं दिखना चाहिए, है क्या? नहीं है। चार के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए, तीन नहीं दिखना चाहिए, है क्या? नहीं है। यानी दो के साथ पाँच भी नहीं है और चार के साथ तीन भी नहीं है, मतलब कैसा हो गया, ये स्टैंडर्डाइज हो गया, यानी ये सही वाला पासा हो गया। अब सही वाले पासे में तो आपको आंसर खुद ही पता होते हैं, है ना। तो दो के अपोजिट क्या होता है सही वाले पासे में, पाँच। तीन के अपोजिट क्या होता है बेटा, चार। और एक के अपोजिट क्या होता है, छः। अब दो के पीछे पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हैं पाँच, तीन के पीछे पूछा जाए तो आंसर कर सकते हैं चार, और एक के पीछे पूछा जाए तो आंसर कर सकते हैं छः। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, कब? जब आपको एक सिंगल डाइस गिवन होता है तब। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। दो ही केस हैं, आप पहले चेक करो कि दिया गया पासा स्टैंडर्ड है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड है तो आपको आंसर्स पता है कि एक के अपोजिट सिक्स होगा, टू के अपोजिट फाइव और थ्री के अपोजिट फोर होगा। ठीक है, और अगर गलत पासा है, दो ही तो केस हैं, या तो होगा या नहीं होगा, और अगर वो नहीं है यानी स्टैंडर्ड नहीं है, कैसा है, गलत पास है, तो आपका आंसर एकदम फिक्स है कि आंसर क्या होगा, तय नहीं कर सकते, सिंपल वर्ड। क्लियर। तो आई होप कि आपको ये समझ आया हो कि सिंगल डाइस के जो क्वेश्चंस गिवन होंगे, यानी सिर्फ एक डाइस आपको गिवन हो, तो आप उनको कैसे आंसर करने वाले हो। क्लियर। चलो अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, जब आपको मोर देन वन डाइस आर गिवन होते हैं तब। ओके ऑलराइट बच्चों, तो जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है बेटा जब आपको मोर देन वन डाइस गिवन हो, है ना। हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म था वो था मोर देन वन। इस टाइप को समझते हैं बेटा, ये थोड़ा सा आपका ब्रॉड टाइप है, इसमें कई टाइप मिक्स होंगे, दो आकृतियाँ, तीन आकृतियाँ, दो आकृतियों में भी कई कई नए टाइप मिक्स होंगे, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इन्हें भी एक्सप्लेन करता हूँ वन बाई वन। बेटा आपको करना कौन सा टॉपिक है अभी, जिसमें क्या है मोर देन वन डाइस। पहले हम डबल डबल फिगर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उनके आंसर्स को देखेंगे कि कैसे हम लोग कैच करते हैं। देखो बेटा, मोर देन वन डाइस में एक टर्म आएगा, जो पहला टर्म है आपका, जब क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर, व्हेन वन डिजिट इज कॉमन, व्हेन वन डिजिट इज कॉमन। हिंदी में कहें तो जब आपका जो दो एक जो डाइस होगा उसको ना वो दो तरीके से फ्लिप करके आपको दिखा देते हैं। डाइस एक ही होता है लेकिन आकृति आपको दो दो दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बना देता हूं, ये आपके लिए टर्म रहेगा कुछ इस तरीके से। बच्चा लो, अब आपको एक आकृति की जगह पर दो आकृतियां दिखेंगी, और मान लीजिए कि ये इस तरीके से दिखी हुई है, जैसे एक दो तीन, यहाँ पर है चार, यहाँ पाँच, और सपोज कर लो बेटा यहाँ तीन। ठीक है, तो ये दो आपको आकृतियाँ दिखने वाली हैं जो नेक्स्ट टाइप का अपना सेशन है उसमें। अब यहाँ देखना क्या होता है बेटा, जब भी एक से ज़्यादा आकृति दिखेंगी तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज आपको देखना होता है कि उनमें कितनी डिजिट कॉमन हैं, किन में, इन दोनों में कितनी डिजिट कॉमन हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे क्या बेटा, एक डिजिट दोनों में कॉमन आ रही है, तीन ही यहाँ है, तीन यहाँ है। बहुत सारे टर्म बन सकते हैं, मैं सब पर बारी बारी से आऊँगा। अभी क्या है, एक डिजिट कॉमन आ रही है, कभी होगा दो डिजिट कॉमन आएंगे, कभी होगा कि तीनों डिजिट कॉमन हो सकती हैं, कभी होगा एक भी कॉमन ना हो, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, या तो ऐसा हो सकता है कि एक भी डिजिट कॉमन ना हो, या हो सकता है एक डिजिट कॉमन हो, या हो सकता है दो डिजिट कॉमन हो, या हो सकता है तीनों डिजिट कॉमन हो, उसके अलावा चार डिजिट तो आपको दिखती नहीं है। तो मैक्सिमम ये केसेस हैं। अब मैं पहले सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ, जब आपको एक डिजिट कॉमन दिखे, एक नंबर दोनों में आ रहा हो। ठीक है बेटा, तो देखो बहुत सिंपल है सब कुछ निकालना।
इतना आसान है कि आप एक बार देखोगे, कभी दोबारा आपको उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। ये है आपका दोनों डायसर्स का जो फिगर है वो इस तरीके से है। आप इन दोनों में देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, तीन कॉमन आ रहा है दोनों डाइस में, है ना, तीन, और तो कोई कॉमन नहीं है, एक ही डिजिट कॉमन है। ठीक है, तो इस तीन को दोनों तरफ सर्कल कर लो, अपने दिमाग में रख लो। ये रख लिया हमने थ्री को, ठीक है बेटा। अब क्लॉक कैसे चलेगी, सपोज करो यहाँ बीच में हमने घड़ी की सुई लगा दी, तो अभी कितने पर है, तीन पर। तो अब ये टिक टिक करते हुए कहाँ जाएगी, अगला एक पर जाएगी, तो तीन के बाद में लिख लिया हमने एक। फिर एक के बाद किस पर जाएगी बेटा, दो पे जाएगी, तो हमने रख लिया दो। ठीक है, इस वाले डाइस में भी आपको घड़ी चलानी है, लेकिन उसी नंबर से जो नंबर कॉमन है। तो क्या नंबर कॉमन है, तीन नंबर कॉमन था। ठीक है बेटा, अगली बार टिक टिक करते हुए घड़ी कहाँ, यहाँ से मूव करते हुए कहाँ सुई आएगी, इसकी चार पर, हमने रख लिया चार। फिर टिक टिक करते हुए कहाँ जाएगी, पाँच पर, यहाँ पहुँच गए पाँच पर। बस हो गया सॉल्यूशन बेटा। ये आपका आंसर अपने आप आ रहा है कि यहाँ पर दो के अपोजिट क्या है, पाँच है, और एक के अपोजिट क्या है बेटा, चार है, और तीन के अपोजिट तीन तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा फिर तीन के अपोजिट, एक ऐसा नंबर जो इन सब में अभी यूज नहीं हुआ है, एक नंबर जो छिपा हुआ रह गया है वो इसके अपोजिट हो जाता है। क्या नंबर छिपा हुआ रह गया बेटा, दैट इज सिक्स। तो यहाँ पे थ्री के अपोजिट क्या हो गया, सिक्स हो गया। आसानी से आंसर कर सकते हैं आप, क्लियर हुई बात। ध्यान क्या रखना है, ध्यान से बस यही देखना है कि आपकी एक डिजिट कॉमन आ रही है, या आपकी दो डिजिट कॉमन है, या आपकी कोई डिजिट कॉमन नहीं है। तीन डिजिट कॉमन जनरली रखते नहीं है, क्योंकि वो एक ही डाइस दिखता है, इसलिए तीन डिजिट आपको मिलेगा ही नहीं, है ना। और जनरली आपको ये भी नहीं मिलेगा कि कोई डाइस कॉमन, मतलब कोई डिजिट कॉमन ना हो। सबका बता जरूर दूंगा आपको सॉल्यूशन कि कैसे करना है, अगर मिल भी जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो मिलते नहीं है। जनरली आपको क्या मिलेगा, एक डिजिट कॉमन हो या दो डिजिट कॉमन हो, ये मिलेगा। तो अभी एक डिजिट कॉमन को हमने देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो दोनों में कॉमन नंबर है, जो दोनों में कॉमन नंबर है उसको सबसे पहले रख लो, ठीक है, और उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे घड़ी मूव करेगी, घड़ी की सुई मूव करेगी, उस तरीके से उन नंबर्स को रखते चले जाओ, सिंपल। ठीक है, एक काम करते हैं, आपके लिए एक और एग्जांपल मैं रखता हूँ, ठीक है, उस एग्जांपल को आपको समझाना है या समझना है अच्छे से, और दूसरों को समझाना भी है। मैंने बोला है ना, हमेशा मैं मोटिव बोलता रहता हूँ, खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ, है ना। तो अभी मैं एक और यहाँ पर प्लेस कर दे रहा हूँ डाइस, और उसको देखते हैं कि कैसे क्लॉक आप रोटेट कराएंगे, ठीक है। चलो तो देखो, मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके की कोई डाइस है, ठीक है, और इसके दो सर्फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। चलो मान लो कि यहां पे लिखा है बेटा दो, यहां लिखा है तीन, यहां लिखा है चार, और यहां लिखा है चार, यहां है पांच, और यहां है छह, ठीक है बेटा लोग। चल अब जरा मुझे देख करके ये बताओ कि इन दोनों में कितनी डिजिट कॉमन है। तो आप कहेंगे सर सिंपल, यहाँ पर एक ही डिजिट कॉमन है, और वो कौन सी है, चार, जो दोनों में आ रही है। कॉन्सेप्ट बन गया हमारा, कौन सा लगना है, वन डिजिट वाला, ठीक है। तो वन डिजिट वाला लगना है, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ रखा फोर, इसके बाद में फोर को रोटेट करके आगे देखो कितना बेटा, यहाँ आ जाएगा थ्री, और फिर अगली बार क्या आ जाएगा, टू, है कि नहीं। देखो यहाँ से फोर पर घड़ी की सुई, फोर के बाद में कितना, थ्री, थ्री के बाद में कितना, टू, तो फोर थ्री टू इस डाइस के लिए हो गया। अब यहाँ रखते हैं बेटा, रखो नंबर्स फोर, फिर क्या आएगा फाइव, ठीक है, दिख रहा है सबको, और फिर क्या आ जाएगा बेटा सिक्स। तो टू अपोजिट हो गया सिक्स के, थ्री अपोजिट हो गया फाइव के, और इसके अपोजिट कौन होगा, जो इसमें नहीं आया, क्या नंबर नहीं आया, वन नहीं आया है, यानी वन हो जाएगा फोर के अपोजिट। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताइए वन के अपोजिट क्या है या थ्री के अपोजिट क्या है इन दिस डाइसेस, तो आप आसानी से उसको आंसर कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हुई हमारी कि जब हमें केवल एक डिजिट कॉमन मिलेगी तो हमें कैसे आंसर्स करने हैं, ठीक है। चल अब देखते हैं कि जब आपको एक से ज़्यादा डाइसेस कॉमन दिखती हैं तब क्या होगा, है ना, या आपको डिजिट जो है वो कॉमन दिखती हैं तब क्या होगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म था, अभी हम देखेंगे पॉइंट नंबर टू, जब आपके दो डिजिट कॉमन होंगे, व्हेन टू डिजिट, अभी इससे पहले क्या था हमारा, वन डिजिट हमने सीखा है, अब टू डिजिट आर कॉमन। कोई भी डाइस आपको गिवन है और उसमें क्या है, आपको
अगर मान लीजिए टू डिजिट्स कॉमन गिवन हैं तो उस दौरान आप उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे। देखो बेटा कैसे टैकल करना है पहले समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। इसको भी कोई भी कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, आप ऑरली बस कॉन्सेप्ट समझकर इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हैं। कैसे वो समझो, सपोज करो यहाँ पर है बेटा 2 3 4 और यहाँ पर है मान लो 4 3 और यहाँ 5, क्लियर। अब अगर मैं इस डाइस को प्रॉपरली अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैं यहाँ जानूंगा कि यहाँ पर दो डिजिट्स कॉमन आ रही हैं इस बार, है ना, एक है 4 और एक है 3, ठीक है, दोनों कॉमन आ रही हैं। तो बेटा जब भी आपकी दो डिजिट्स कॉमन आती हैं तो वहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि जो अनकॉमन नंबर होते हैं, जो इनमें कॉमन नहीं हैं, वही एक दूसरे के अपोजिट हैं, इतना हम बता सकते हैं, उसके अलावा और कोई जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। मैंने क्या कहा, जब आपका टाइप कौन सा है, जब दो डिजिट कॉमन हैं दो डाइसेस में, तो जो अनकॉमन नंबर हैं, क्या अनकॉमन नंबर, ठीक है, अनकॉमन नंबर क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी यहां पर क्या बचा रह गया, यहां बचा है 2 और यहां बचा है 5। तो हम केवल इतना बता सकते हैं इन दोनों डाइसेस से कि 2 इज अपोजिट टू 5। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा बेटा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सिंपल फॉर्मेट। अगर मान लीजिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, तो फिर वही वाला लॉजिक कि इसके पीछे क्या क्या नंबर हो सकते हैं। तो देखो बेटा अगर 3 के पीछे देखना है, अगर मान लो CND का ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे, उस दौरान देखो बेटा 3 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 3 के अपोजिट बेटा 2 तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि साथ में आ रहा है, 4 हो नहीं सकता क्योंकि साथ में आ रहा है, बेटा इसमें देखें तो 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 के साथ आ रहा है ना, तो ये 3 नंबर तो नहीं होंगे, और बेटा खुद 3 भी नहीं होगा, 3 के अपोजिट 3 थोड़ी होगा, है ना, तो ये 4 नंबर नहीं है, तो कौन कौन बचा, 1 या 6। अगर ये बेटा ऑप्शन मिल रहा है तो आप इसको टिक कर देंगे। पता यहां भी नहीं है, देखो कैलकुलेट यहां भी नहीं कर पा रहे आप कि 1 है अपोजिट में या 6 है, बट हाँ दोनों कंबाइंड फॉर्मेट में हम उसे बोल सकते हैं, कब, जब आपको ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड गिवन नहीं है, ठीक है। तो यानी आपको फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं चीजें क्या हैं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आपको दो डिजिट कॉमन देखा करें तो आप क्या करोगे, जो अनकॉमन नंबर हैं, जो दोनों में कॉमन नहीं आ रहे हैं, वही हम बता सकते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर है यहां तक बात, एक बार फिर से दो ही कॉन्सेप्ट है बेटा, तीसरा और चौथा जो हमने बताया था कि तीनों डिजिट कॉमन हो या एक भी कॉमन ना हो, तो वो कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, मैं अभी समझा देता हूं उसको, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़नी, क्यों, क्योंकि बोर्ड कभी भी आपको तीनों डिजिट कॉमन नहीं देगा। मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन नहीं बनता है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। देखो तो मैं एक बार फिर से पहले रिपीट कर देता हूं, क्या होगा बेटा, आपको जब दो डाइस दिख रही हों एग्जाम में, दो से ज़्यादा, अभी दो से ज़्यादा पर भी आएंगे, अगर दो डाइस दिख रही हैं तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कितने कॉमन आ रहे हैं। अगर एक कॉमन है तो वहाँ पे क्या करोगे, क्लॉक चला दोगे। अगर दो कॉमन है तो आप क्या, अननोन, जो अनकॉमन नंबर हैं उन दोनों को ही आप अपोजिट में आप फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड का होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, थर्ड पॉइंट की, जो आपका थर्ड पॉइंट है, अगर मान लीजिए तीनों नंबर कॉमन हों तो क्या होगा। सपोज करो बेटा कि मैं यहां पे तीनों नंबर कॉमन कर दूं, एक मिनट के लिए आप यहां पर क्या करते हैं, यहां पर 5 रख लेते हैं, देखो ये 5 और यहां पर कर दिया हमने 4 और ये 3। तो बच्चा लोग अगर तीन डिजिट कॉमन हैं तो एक बात बताओ मुझे, ये दो अलग अलग डाइस देने की जरूरत क्या है, है तो ये एक ही डाइस ना, आपको दो प्रारूप में उसे दिखाया गया है तो ये एक ही डाइस। अब कहेंगे सर अगर ऐसे ना घुमा के ऐसे रख दिया जाए, सपोज करो कि इसको ऐसे रख दें 3 देन 4 देन 5, तो क्या ये चेंज हो गया, नहीं बेटा, आपने बस उसको, इस डाइस को थोड़ा सा ऐसे फ्लिप करके यहाँ रख दिया, यानी तीनों नंबर कॉमन आपको वो जनरली देगा ही नहीं, अगर देता भी है तो क्या करना है। तो बेटा आपका एक डाइस ही कन्फर्म लेके चलो, यानी दो डाइस ना देख करके वो आपको एक सिंगल डाइस दिखना चाहिए, और सिंगल डाइस दिख रहा है तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही वही है कि अगर आपका सिंगल डाइस गिवन है तो क्या देखते हैं, स्टैंडर्ड ही चेक करते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस यानी सही वाला पासा है या गलत वाला पासा है। तो आप चेक करके बता सकते हो ये गलत वाला पासा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ में 4 या 4 के साथ में 3 आ रहा है,
जबकि ये कभी अब एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो पाएंगे। अपोजिट नहीं हो पाएंगे तो ये सही वाला पासा नहीं है। अगर यहां पर आपसे कुछ भी पूछेगा क्वेश्चन तो आपका आंसर जनरली क्या जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड चला जाएगा। बात समझ आई आपके? तो अगर तीनों नंबर कॉमन हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल ही हो तो भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या स्नारियो रहेगा आपका। क्लियर? ओके, अगर मान लो क्या हो कि आपका एक भी डिजिट कॉमन ना हो, एक फोर्थ पॉइंट बनता है जिसका भी यूज जनरली वो नहीं करेंगे, बट अगर करते हैं तब भी देखो बेटा क्या करना है आपको वो समझ लो इनका ना। अगर आपने अभी स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर आप डायरेक्टली नोट्स नहीं बना रहे हो कॉपी पे। वैसे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने नोट्स बना के चलो कॉपी पे, ताकि आपको जब जरूरत पड़े आप उस पेज को ओपन करके वहां से देख पाओ। ठीक है, सपोज करो ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है बेटा, इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। सपोज करो यहाँ पर रख दिया आपका वन, यहाँ रख दिया टू और यहाँ रख दिया सिक्स। क्लियर? दो डाइस ये गिवन थे, पूछ रहा है सपोज करो कि वन के अपोजिट क्या हो गया, टू के अपोजिट क्या होगा, वो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो जब आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब यहाँ सिचुएशन कैसी है बेटा, यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि इनमें अभी कोई नंबर कॉमन नहीं है। जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता तब वहाँ पर भी आप स्टैंडर्डिटी को चेक कर सकते हैं। यहाँ या तो इस डाइस पर स्टैंडर्डिटी चेक कर लो या इस डाइस पर स्टैंडर्डिटी चेक कर लो, ये सही वाला पासा किसी एक पर, दोनों पे जरूरत नहीं है। क्योंकि जब ये बेटा जो जितने भी आपको ये डाइसेस दिखते हैं एक्चुअली ये एक ही डाइस होता है, उसको अलग अलग फोल्ड करके अलग अलग तरीके से पुट करके आपको बस उसकी सर्फेसिस को दिखाते हैं, जबकि डाइस एक ही होता है। तो जब कोई गलत डाइस है तो सब कुछ पूरा गलत होगा ना, ऐसे थोड़ी यहाँ पे सही होगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी एक डाइस को आप प्रॉपरली चेकआउट कर लो कि ये सही वाला पासा है या गलत वाला पासा है, और जैसे आप एक डाइस को चेक करके आप आंसर करते हैं वैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा तो देखो बेटा यहाँ पे वन के साथ में सिक्स आ रहा है, यानी कि ये गलत पासा है, गलत पासा है। तो वन के अपोजिट आप क्या बताएंगे, आंसर क्या होगा उसके अपोजिट तय नहीं कर सकते। गलत पासे के बारे में किसी को नहीं पता कि किसके पीछे क्या होता है। या फिर आप इसको चेक कर लेंगे तो यहाँ तीन के साथ में चार आ रहा है, यानी कि ये गलत पासा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका आंसर क्या रहेगा, तय नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको अब ये सारे फॉर्मेट में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि दिमाग में एक बार आपके फिर से बैठ जाए। सीन क्या है, या तो आपका, अब मैं शुरू से बताता हूँ, एक भी नंबर कॉमन नहीं होगा लाइक दिस, तो आप क्या करेंगे स्टैंडर्डिटी चेक करेंगे, साथ साथ गुनगुनाते रहो अपने जहन में। मैं समझ जाऊंगा कि आप वही चीज़ सेम कनेक्शन पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, एक भी कॉमन ना हो तो क्या करना है, स्टैंडर्डिटी चेक करनी है कि ये सही है या गलत है। सही है तो आपको आंसर पता है कि वन के अपोजिट सिक्स होता है, टू के अपोजिट फाइव और थ्री के अपोजिट फोर होता है। अगर गलत है तो आपका आंसर होगा तय नहीं कर सकते। क्लियर? ठीक है, अगला आपका टर्म आता है कि अगर आपका एक डिजिट कॉमन है दोनों डाइसेज में, तो आप क्या करेंगे उस कॉमन डाइस कॉमन नंबर से जो कॉमन डिजिट आ रहा है दोनों में, हम उसे क्या करेंगे क्लॉक रोटेट कर देंगे बेटा, और आंसर आप निकालना सीख ही गए हो। ठीक है, दूसरा इससे अगला जो आपका टर्म है वो है जब दो डिजिट कॉमन आएंगे। दो डिजिट में क्या है, हम केवल ये बता सकते हैं कि जो अनकॉमन नंबर हैं, जो अलग अलग हैं यानी समान नहीं है, जो बचे रह गए हैं, जो नंबर कॉमन नहीं आ रहे हैं, वही एक दूसरे के अपोजिट हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ हम वहाँ तय नहीं कर सकते। क्लियर? और अगर तीनों नंबर कॉमन आ रहे हो तब भी हम क्या करते हैं स्टैंडर्डिटी चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपके एक से ज़्यादा डाइस अगर गिवन हो तो आप आसानी से बिना कुछ लिखे बिना किसी कन्फ्यूजन के उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा बच्चा लोग कि आपको एक दो से ज़्यादा आकृतियाँ देखने को मिल जाती हैं, है ना। देखो बच्चा लोग यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती है। बहुत सारी बुक्स में ना डाइसेस के फिगर, अ लॉट ऑफ फिगर, एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, अ लॉट ऑफ फिगर उन्होंने गलत बना दिए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, आपस में कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट चलता है इनका। तो किसी ने कोई क्वेश्चन छापा, किसी ने दूसरे ने कॉपी करके चिपका दिया, कोई अपना दिमाग चलाता नहीं है, और बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होते रहते हैं। बच्चे क्या है, बच्चे कंफ्यूज होते रहेंगे कि भाई आखिर इसका सॉल्यूशन ये कैसे हो गया, किसी और बुक ने कोई और सॉल्यूशन दे रखा है। तो आपको इन चीज़ों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। आपको जो आयोग पूछेगा आपका आंसर 100% करेक्ट आना चाहिए, उससे आपको मतलब होना चाहिए। बकाया कौन क्या कह रहा है या क्या गलत फिगर बना रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। सही की तो गारंटी होती है, गलत की गारंटी नहीं होती। कि कौन क्या गलत कर रहा है उसकी जिम्मेदारी किसी के पास
नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अगर दो से ज़्यादा डाइसेस यानी कि तीन या चार डाइस आपको गिवन हो तो आपको उनको कैसे सॉल्व करना है वो बताते हैं, ठीक है। चलो, ओके बच्चों, तो ये आपके पास दो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको दो से ज़्यादा डाइस गिवन है। अब आपको कंफ्यूज या नए कॉन्सेप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो भी है हमें उन्हीं को यूज़ करके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब जैसे ये चार डाइस हैं बेटा, है ना, तो ये चार डाइस अलग अलग नहीं है, एक ही डाइस को अलग अलग एंगल से फ्लिप करके आपके लिए रख दिया, यानी कि एक ही डाइस है जिसमें जिसके पीछे जो है वो परमानेंट चारों में उसके पीछे वही है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, चार डाइस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी तक जो हमने चार कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जब कोई डाइस कोई नंबर गिवन ना हो, कोई डिजिट गिवन ना हो, या एक सिंगल डाइस डिजिट मतलब जो आपकी दो डाइसेस हैं उनमें एक सिंगल डिजिट कॉमन है, या टू डिजिट कॉमन है, या तीनों डिजिट कॉमन है, इन सब में आपको सबसे बेस्ट वाला जो लगा है आपके अकॉर्डिंग कि कौन सा ऐसा मेथड है जो फुली डिस्क्राइब कर देता है या फुल आंसर प्रोवाइड कर देता है, जिसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं आप सोच कर कहेंगे सर जो क्लॉक वाला था उसमें सारे आंसर्स अपने आप आ जाते हैं, जबकि अगर डबल वाले को देखते हैं हम लोग कि जिसमें आपका डबल डिजिट कॉमन आ रहा है तो उसमें भी कुछ कंडीशंस पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाते हैं, है ना। तो सबसे जो बेस्ट है ना, जो फुली डिस्क्राइब कर सकता है, वो आपका ऑप्शन मेथड कौन सा है, जो क्लॉक वाला है। तो अब आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तीन चार मेथड हैं इनको सॉल्व करने के, बट मुझे जो सबसे बेस्ट लगा है या ज़्यादा दिमाग न चलाया जाए वो वाला मेथड मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। कौन सा, कोई से भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई से भी ऐसे दो डाइस सर्च कर लो जिनमें एक डिजिट कॉमन आ रहा हो। आई रिपीट, कोई से इन चारों में कोई से भी ऐसे दो डाइस छांट लो जिनमें सिर्फ एक डिजिट, एक चीज़ कॉमन हो, और उन दोनों डाइसेस में आप क्लॉक चला दो, बकाया दोनों डाइस को भूल जाओ कि उनका एग्जिस्टेंस है भी या नहीं भी है। नहीं समझ आया, देखो बेटा अगर मैं इन दोनों में फोकस करता हूँ, पहले इन दोनों में फोकस करते हैं कि इनमें क्या है, दो तीन पाँच है, इसमें क्या है, चार पाँच छः है, तो अगर मैं दोनों में ध्यान से देखूँ तो क्या है, पाँच कॉमन आ रहा है, आया ना। मैं ये सोचता हूँ कि ये दोनों डाइस गिवन ही नहीं है आपको, तो उस दौरान क्या होगा बेटा, इन दोनों में क्या कॉमन है, फाइव कॉमन है, तो बस आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक डिजिट वाला कॉमन मिलता है वहाँ पर आप क्लॉक चला दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, बकाया को जाने दो, वो सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए। अब इसकी जगह पर और आकृतियाँ रख दे, रहेगा तो वही डाइस ना, और जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्लॉक वाला वो दो डाइसेज में जब काम कर सकता है तो वो चार में भी काम कर सकता है, छः में भी काम कर सकता है, आठ में भी काम कर सकता है। क्लियर बात हुई, यानी आपको नया कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, या तो इन दोनों को ले लो, जैसे ये दोनों को मैंने पिक कर लिया, राइट। अब इन दोनों को पिक कर लिया तो क्लॉक चलाते हैं बेटा, कहाँ से चलाएंगे, जो नंबर कॉमन है वहाँ से। तो क्या लिखेंगे, फाइव, देन हमारा आएगा थ्री, देन हमारा आएगा टू, देखो पाँच, पाँच के बाद में क्या, तीन, तीन के बाद में क्या, दो, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तो फाइव, देन क्या आएगा बेटा, फोर, देन क्या आएगा, सिक्स, क्लियर। यहाँ से अपने आंसर मिल गए अपन ने, क्या दो के अपोजिट छः है, तीन के अपोजिट चार है, और पाँच के अपोजिट क्या है, जो इसमें नहीं आया, क्या नहीं आया, एक अभी नहीं दिखा है इन दोनों डाइसेस में, तो उसको हमने पुट कर दिया। आपसे पूछा गया है कि दो के अपोजिट क्या आएगा, तो आपका आंसर हो गया दो के अपोजिट क्या आएगा, सिक्स आएगा। क्लियर हुई बात, टू के अपोजिट क्या होगा, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आप और भी लॉजिक से इसे अप्लाई करके देख सकते हो कि कौन कौन से और तरीके हैं, जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ विद अनदर मेथड तो क्या क्या आप ट्राई कर सकते हो, या क्या क्या, कभी कभी फंस जाओगे, हर एक मेथड हर एक पर लागू नहीं होगा, लेकिन ये गारंटी है कि ये मेथड आपके हर एक क्वेश्चन के लिए जिसमें कम से कम तीन डाइस आपको गिवन है वहाँ पर अगर आपको एक डिजिट कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, तो इन दैट केस आप ये मेथड हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो किसी और दो, जैसे इन दोनों में क्या है बेटा, इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है, वन कॉमन आ रहा है, हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहे हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, वन आ रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, वन, देन क्या होगा बेटा, वन के बाद में आएगा हमारे पास टू, देन क्या आएगा, थ्री, है ना। इसमें बात करते हैं तो वन, वन के बाद क्या आएगा बेटा, सिक्स आएगा, देन क्या आएगा, फोर आएगा, तो अभी भी यहाँ पर टू के अपोजिट क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है, हर जगह पर वो एप्लीकेबल होगा। अब यही मैं बताने जा रहा था आपको कि कुछ बुक्स में क्या है कि जैसे तीसरे या चौथे फिगर में कोई एरर दे रखी है,
कोई तीसरे या चौथे फिगर में एरर दे रखी है। आपका हर जगह हर एक डाइस से वो कॉन्सेप्ट यानी सेम चीज़ें अपोजिट नहीं आ रही हैं, तो उनमें क्या है, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हालांकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करना भी आपको बताऊंगा कि कौन से डाइस में आप को एरर दिख रही है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं और फुल्ली 100% सेटिस्फाइड हो सकते हैं, किसी को प्रूव भी कर सकते हैं कि इसके अपोजिट एग्जैक्टली ये है, इसने ये एरर इस फिगर में कर दी है। उस लेवल तक अपन को वो चीज़ें सीखनी है, ठीक है ना। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट क्या है, दो से ज़्यादा आकृति आपको दिखेंगी तो आप क्या करेंगे, किन्हीं भी दो डाइसेस को ऐसे चेक करेंगे जिनमें एक डिजिट कॉमन आ रही हो, और जिसमें एक डिजिट कॉमन आ रही है जिन दो डाइसेस में, वहाँ पर उन दोनों डाइसेस में आप उस कॉमन नंबर से क्लॉक रोटेट कर देंगे और आपको आपके अपोजिट्स वाले जितने भी आंसर्स हैं वो सब मिल जाएंगे, ठीक है। सेम चीज़ अप्लाई करते हैं फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चार आकृतियाँ गिवन हैं और इसमें पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज़ अपोजिट टू द येलो सरफेस, पीले वाले सरफेस के अपोजिट में क्या है। तो देखते हैं इन दोनों में बेटा, देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में बेटा नीला और नारंगी, नीला और नारंगी दो कॉमन आ रहे हैं। अब जब दो कॉमन थे, हालांकि मैं अभी उससे नहीं बता रहा हूँ, बस आपको सिर्फ एक ट्रायल दे रहा हूँ कि अगर नीला और नारंगी दोनों कॉमन हैं तो जो बचे रह गए वो आपस में अपोजिट होंगे, तो पीले के अपोजिट कौन होंगे, बैंगनी, हमें यहाँ से भी पता चल गया। लेकिन हमें एक ही मेथड रखना है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि इनमें तो दो कॉमन है। हमने क्या किया, हमने इन दोनों में देखा कि इन दोनों में भाई क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में देखा तो बेटा नीला, हाँ नीला है, बैंगनी है क्या, नहीं है, नारंगी है क्या, नहीं है। यानी इन दोनों में क्या है, एक ही डिजिट आपकी कॉमन, यानी एक ही टर्म आपका कॉमन आ रहा है, कौन सा, वो है नीला, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, तो वही क्लॉक रोटेट कर देते हैं, नीला, नीले के बाद यहाँ क्लॉक आएगी यानी बैंगनी, ठीक है, एंड देन क्या होगा बेटा, बैंगनी के बाद आ जाएगा नारंगी, ठीक है। अब यहां देखते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा नीला, देन क्या आएगा, नीले के बाद देखो यहां से क्लॉक किधर आएगी, इधर आएगी, फिर आ गया क्या, पीला, एंड देन क्या आ गया, लाल। हाँ या ना, हमसे पूछा था कि पीले के अपोजिट क्या होगा, तो आप इजीली आंसर यहाँ भी कर सकते हैं कि पीले के अपोजिट क्या होगा बेटा, बैंगनी होगा। तो क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, हर जगह बस एक ही अपना फंडा अप्लाई करो। तीन चार आकृतियाँ दे रखी हैं, कितनी भी आकृति दे रखी हैं उनमें सिर्फ एक डिजिट वाली कॉमन डाइसेस को सर्च करो और क्लॉक चला के आंसर कर दो, ठीक है। आई होप कि आपके, अब आप लगा के देखो ढेर सारे क्वेश्चंस, आपको हर जगह पर ये कॉन्सेप्ट लागू होगा ही होगा 100%, और आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये है आपका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने आपसे कहा था व्हेन मोर देन वन डाइस आर गिवन उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ढेरों क्वेश्चंस हैं, आप लगा के देखो, अगर कोई क्वेरी बन रही है, अगर किसी में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको कमेंट में नीचे पोस्ट कर देना, ठीक है। मैं उसको पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा, या आपको हो सकता है कि ग्रुप में ही रिप्लाई कर दूँ, तो ईजिली उस क्वेश्चन का आपको पता चल जाएगा कि कोई एरर है या नहीं है। आखिर आपकी अगर गलती भी हो रही है तो कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पर, जिसको हम बोलते हैं ओपन डाइस, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, तो अभी जो टर्म है वो क्या है हमारे पास, ओपन डाइस, है ना, खुला हुआ पासा। खुले हुए पासे के बेटा दो टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली अपन को मिलेंगे, टाइप वन और टाइप टू। पहले मैं टाइप वन बताता हूँ, ठीक है। टाइप वन समझ लीजिए, आपको कुछ भी अलग से समझने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट में कोई नया नहीं बताने वाला, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको चीज़ों को अब जोड़ना है कि कैसे क्वेश्चंस को आपस में अटैच करना है। देखो बेटा, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैं जनरली एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ कि जो आपकी ट्रेन है ना, वो ऐसे ही तो चलती है, ऐसे लेगी, ऐसे फिर ऐसे चली जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। कुछ लोग कह रहे होंगे हाँ मेरे भाई, ऐसे कभी ट्रेन चलती है क्या, नहीं ना। आप जानते हैं ट्रेन कैसे चलती है, हमेशा सीधी रेखा में, तो ऐसे जिग जैग मोशन में तो नहीं चलेगी ना, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट वाला जो केस है वो क्या है, कि आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रेन कैसे चलती है, उस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर एक टर्म के लिए लागू करने वाला हूँ। बेटा होता क्या है आपको, कि देखो जो खुला हुआ पासा है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। टाइप कैसे भी रख दे, मैं आपको भी एक लॉजिक बताऊंगा, उस लॉजिक को आपने अप्लाई करना है, हमेशा आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये है बेटा खुला हुआ पासा, आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। या हो सकता है कि आपको खुले हुए पासे को वो
कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर दे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि खुले हुए पासे को आपको इस तरीके से प्रोवाइड कर दे, या हो सकता है कि आपको इस फॉर्म में उस क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड कर दे, ये। तो ये सभी फॉर्म लगभग जो है किसकी हैं, ओपन डाइस की फॉर्म है। अब यहां पहचानना ये होता है कि कौन सी साइड किसके अपोजिट है। सबसे पहला काम क्या है आपको, इस अगर ओपन डाइस गिवन है तो कौन सी डाइस किसके अपोजिट है, तो दिमाग या तो आप उसे ऑरली सोच करके उस चीज को पहचान सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, एक सीधी रेखा में अगर कहीं भी तीन डब्बे हैं या चार हों, तीन मिनिमम होने चाहिए, अगर एक सीधी रेखा में तीन डब्बे हैं तो उनमें एक डब्बा छोड़ करके ट्रेन का अगला डब्बा एक दूसरे के अपोजिट होता है। फॉर क्लियरेंस यहां समझ लो कि जैसे ये एक बेटा ट्रेन का डब्बा दिख रहा है आपको सीधा सीधा, तो इस डब्बे के अपोजिट यानी इसके अपोजिट एक डब्बा छोड़ दीजिए, अगला वाला आपका अपोजिट टर्म बन जाएगा। क्लियर? अगर मैं इसके अपोजिट पूछता हूं तो बेटा ये भी एक सीधी रेखा में ना, तो इसको इसके अपोजिट देखना है तो एक डब्बा छोड़ दीजिए, ये वाला आपका अपोजिट बन जाएगा। क्लियर है? अगर मैं अब जो बकाया बचे हैं वो तो अपने आप ऑटोमेटिक भी तो आप कह सकते हो, भाई छह लोग हैं, छह लोगों में इन दोनों का एक पेयर है, इन दोनों का एक पेयर है, तो जो बचे रह गए होंगे उनका अपने आप पेयर बन जाएगा। हाँ या ना, अगर मैं अपोजिट वाली बात करता हूँ, छह तो सरफेस होती हैं, ठीक है, तो ये किसके अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर आई बात समझ? देखो अभी इसमें देख लेते हैं, सपोज करो मैं आपसे कहता हूँ वन, यहाँ टू, यहाँ थ्री, यहाँ फोर, यहाँ फाइव और यहाँ सिक्स है, तो बच्चा लोग वन के अपोजिट क्या होगा, तो बेटा इस डब्बे के अपोजिट एक सीधा डब्बा फॉर्म हो रहा है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, एक छोड़ दो अगला वाला, यानी कि इसके अपोजिट क्या होगा, ये वाला टर्म, यानी वन के अपोजिट क्या दिख रहा है आपको यहाँ, फोर। क्लियर? अगर मैं कहूँ बेटा टू के अपोजिट क्या होगा, तो टू के अपोजिट सिंपल सा दिख रहा है, एक डब्बा छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा फाइव, टू के अपोजिट क्या हो गया, फाइव, तो जो बचे रह गए वो ऑटोमेटिक अपने आप अपोजिट हो गए, थ्री के अपोजिट क्या हो गया, सिक्स हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक बात? ठीक है, इसमें देख लेते हैं, अगर यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है बी, यहाँ है सी, यहाँ है डी, यहाँ ई और यहाँ एफ। ओके, सो चेक इट आउट, मन मन में गुनगुनाते रहो, ए के अपोजिट क्या होगा, तो अभी डायरेक्टली नहीं बताओगे, पहले क्या बताओगे अपने आप को, बोलोगे कि भाई बी के अपोजिट क्या है, डी है, ठीक है, बी के अपोजिट कौन है, डी है, और सी के अपोजिट कौन है, ई है, है ना, तो अब ए के अपोजिट क्या बचा, एफ बचा, सिंपल सा। आप जैसे ही ये थोड़ा सा समझने लग जाओगे तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये जो टेंटिकल्स निकले होते हैं यानी कि जो सींग टाइप निकले होते हैं, ये एक दूसरे के जनरली अपोजिट बन जाते हैं। इस केस के लिए बात करते हैं बेटा, तो देखें एम एन ओ पी क्यू आर, तो बेटा यहाँ क्या होगा, ये एक तीन का एक डब्बा बन रहा है, ऐसे मत कर देना एन के अपोजिट पी, ये बेटा एक ट्रेन का डब्बा फॉर्म नहीं हो रहा है, ये ऐसे तिरछा नहीं बनेगा, हमें क्या चाहिए, सीधी लाइन में तीन डब्बे चाहिए, तो ये देखो बेटा सीधे हैं, तो M के अपोजिट कौन हो गया, O हो जाएगा सिंपली, और P के अपोजिट कौन हो जाएगा बेटा, R हो जाएगा सिंपली, और जो बचे रह गए वो अपने आप एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई हो कि आप ओपन डाइस अगर गिवन है तो उसमें अपोजिट साइड्स कैसे डिसाइड करते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ओपन अगर डाइस है तो आप उसकी अपोजिट साइड्स को पहचान सकते हैं क्लियरली, ठीक है। अब इन्हीं से क्या होता है, क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो मैं आपको इसका एक पहले टाइप का क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, उसको देखना, उसको समझते हैं कि कैसे इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, आपको ये ओपन डाइस गिवन होगा, आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, और क्वेश्चन में बोला होगा उसने कि अगर इस ओपन डाइस को बंद कर दें, अगर इस ओपन डाइस को बंद कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए, क्या है क्वेश्चन, कि अगर इस ओपन डाइस को बंद कर दिया जाए तो इनमें से कौन सा डाइस बनेगा। क्वाइट इजी है बेटा, कैसे क्वाइट इजी है समझो बेटा, हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन यानी ये जो ओपन डाइस है इसमें हम क्या कर सकते हैं, देख करके हम इसमें अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली। क्या है जरा बताएं मुझे कि ए के अपोजिट कौन होगा बेटा, ए के अपोजिट यहाँ एक छोड़ करके ये डी, यानी ए के अपोजिट डी हो जाएगा, बी के अपोजिट बच्चा लोग ई हो जाएगा, और सी के अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा लोग, एफ हो जाएगा।
कन्फर्म और नॉट? दिख रहा है सबको, बेसिक फॉर्मेट है। ओके, अब आपको सबसे पहला सेंटेंस याद करना होगा। मैंने सबसे पहला सेंटेंस आपसे क्या कहा था? मैंने आपको सबसे पहला सेंटेंस इस केस में जब हम डाइस सॉल्व कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, उस दौरान आपको बताया था कि अपोजिट साइड कभी भी एक साथ आपको नहीं दिख सकती। इसीलिए मैंने वहाँ पे जो सेवन वाला कॉन्सेप्ट होता है ना कि सात जोड़, वो मैंने इग्नोर कर दिया था। वो स्टार्टिंग तक ठीक है, उसके बाद में फिर आना आपको यही है, तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से उसी मेथड को चूज करके चलें जो हर जगह लागू हो। तो देखो बेटा, उसी चीज़ को यहाँ पर आपको अप्लाई करना है कि अपोजिट साइड कभी एक साथ नहीं दिख सकती। बेटा ए के अपोजिट डी है, तो ए के साथ में यहाँ पर डी क्या कर रहा है, यानी ए के अपोजिट डी नहीं बन पाएगा, यानी ये वाला डाइस ये तो नहीं है। कन्फर्म? अगर मैं यहाँ देखूँ तो बेटा सी के साथ में क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, यानी कि सी के साथ एफ अगर यहाँ दिख रहा है तो सी के अपोजिट तो एफ हो ही नहीं पाएगा, और अगर सी के अपोजिट एफ नहीं हो पाएगा तो ये वाला हमारा डाइस नहीं बन पाएगा, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पर सी के साथ में एफ दिख रहा है जबकि अपोजिट वाले साथ में नहीं आ सकते। अगर मैं इसमें बात करूँ तो बेटा बी के साथ में क्या दिख रहा है आपको, ई दिख रहा है, यानी ये भी हमारा डाइस नहीं है। ओके, अब बचा कौन सा अंतिम? तो देखो बेटा, डी के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए आपको, ए नहीं दिखना चाहिए। डी के साथ में क्या नहीं दिखना चाहिए, ए। क्या आपको दिख रहा है इसमें ए? नहीं ना, क्लियर। अब अगला टर्म एक और ले लीजिए, ई। ई के साथ में क्या नहीं दिखना चाहिए, बी नहीं दिखना चाहिए, तो ई के साथ में आपको इस डाइस में बी भी नहीं दिख रहा है, यानी कि बस दो ही चेक करने होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ, तीसरे को चेक करके या टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, तो अगर आपको कोई ओपन डाइस गिवन हो, एक सिंपल सा टाइप वन वाला क्वेश्चन यही होगा कि अगर इसको बंद कर दें तो कौन सा डाइस बनेगा, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। कैसे? कि आप अपोजिट फाइंड आउट कर लो और ये देख लो कि किस में ये अपोजिट एक साथ नहीं आ रहे हैं। अगर साथ में आ रहे होंगे तो वो अपोजिट हो ही नहीं सकते, इसीलिए उनको आप इग्नोर करते चले जाओ, और जिस डाइस में ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक साथ ना आए तो आप क्या करेंगे, उन्हें टिक कर दोगे कि यही वाला हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका टाइप वन। ओके, ऑलराइट बच्चों, फटाफट 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 से आप सब लोग इस क्वेश्चन को लगाओ, स्क्रीन को अगर पॉज, वीडियो को पॉज करो फटाफट, और इस क्वेश्चन को लगा के देखो कि आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। फटाफट लगाओ सभी लोग, अब भी पॉज कर लो वीडियो को और इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताओ कि इसका आंसर ए बी सी या डी है। फटाफट चलो, ठीक है, आपने वीडियो पॉज कर लिया आई होप, और मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ ताकि आप जैसे ही ओपन करें तो आपको सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन दिख जाए। तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे, अपोजिट फाइंड आउट कर लेंगे। अपोजिट बताओ फटाफट, अगर मैं यहाँ देखता हूँ वन, वन टेंटिकल की तरह है, वन के अपोजिट क्या होगा, सीधा सीधा फोर हो जाएगा। फाइव के अपोजिट क्या है बेटा लोग, थ्री हो जाएगा, और सिक्स के अपोजिट क्या रहेगा, टू रहेगा। ठीक है, और बस कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, इसमें अपोजिट साइड साथ में दिख रही है वो हमारा आंसर नहीं है, और इसमें नहीं दिख रही है वही हमारा आंसर बन जाएगा। फटाफट से देखो, अगर मैं देखता हूँ वन के साथ में फोर आ रहा है, वन के अपोजिट था यहाँ, वन के साथ में आ रहा है, यानी ये अपोजिट नहीं हो पाएगा, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो देखो बेटा, दो के साथ में छः आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए था, दो अपोजिट है अगर छः के तो साथ में नहीं आ सकते, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। एक के अपोजिट क्या है बेटा, एक के अपोजिट है चार, चार नहीं आ रहा है, दैट्स गुड। पाँच के अपोजिट क्या है बेटा, तीन है, तीन नहीं आ रहा है, यही हमारा आंसर बन जाएगा। बशर्ते कि अगर ऑप्शंस में कहीं बोथ या थर्ड और फोर्थ ऐसा अगर दे रखा हो तो आप चौथे को भी चेक कर सकते हैं। कर लेते हैं चौथे को चेक। बेटा दो के साथ में क्या नहीं आना चाहिए, दो के साथ में नहीं आना चाहिए हमारे पास छः, तो छः नहीं आ रहा है। तीन के साथ क्या नहीं आना चाहिए, पाँच नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पर तो पाँच आ रहा है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं बन पाएगा। यानी हमारा आंसर सिंपली इसका बन गया ऑप्शन नंबर थर्ड या सी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके टाइप टू के बाद, साथ में टाइप टू के क्वेश्चन अगर गिवन होंगे तो कैसे सॉल्व करने हैं। ओके, तो जो बच्चा लोग टाइप टू है ना बेटा, टाइप टू भी एज मच इजी है जिसे आप देख करके सीधा सीधा सॉल्यूशन दे सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें जस्ट इसका उल्टा होगा। आपको एक दो तीन चार जितने भी डाइस उन्होंने देने हैं वो दे सकते हैं। आपको सपोज करो उन्होंने दो डाइस दिए बच्चा लोग, ठीक है, कहेंगे फिगर में आपको एक ही डाइस के दो प्रारूप दिखाए गए हैं, शुद्ध हिंदी, ठीक है।
आपको तय करना है कि बताइए कि इनमें से जो कौन सा खुला हुआ पासा है इसका आंसर बनेगा, उत्तर बनेगा। ये दो आपको टर्म ऐसे गिवन होंगे, दो आकृति हैं, दो प्रारूप आपको गिवन हैं, और कहेगा जैसे फिगर टेढ़े मेढ़े या डिफरेंट भी दे सकते हैं और सेम भी कर देते हैं। तो यहाँ कहेगा सपोज करो 2, 3, 4 और यहाँ रहेगा आपका सपोज करो 5, यहाँ 6, यहाँ 1 रख लेते हैं। एक ऐसे ही बना लेते हैं, एक और टर्म ऐसा बना लो या डिफरेंट बना लो, सिमिलर है बेटा, उसमें कोई इशू नहीं है, आप अपोजिट फाइंड आउट करना जानते हैं। 1, then 2, 3, 4, 5 and 6। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या विजिबल होगा उधर तक। चलो एक चौथा टर्म यहाँ बना देते हैं अपन लोग। यहाँ रखते हैं हम लोग 3 और यहाँ रख लेते हैं सपोज करो 2, यहाँ रख लेते हैं 1, यहाँ रख लेते हैं अपन लोग 6, यहाँ रख लेते हैं 4, यहाँ रख लेते हैं 5, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन समझते हैं बेटे। ये टर्म आपको गिवन है, ये दे रखे हैं, एक ही डाइस के दो प्रारूप आपको दिखाए गए हैं। अगर इस डाइस को खोला जाए तो इनमें से कौन सी आकृति आपको आंसर प्रदान करेगी या आपका आंसर बनेगी। तो एक बात बताओ बेटा, इन दोनों डाइसेस को देने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है। इन दोनों डाइसेस को आपको प्रोवाइड करने के पीछे उसका सिंपल सा टर्म है कि आप अपोजिट फाइंड आउट कर लें कि कौन किसके अपोजिट है, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, क्या टर्म लग रहा है बेटा इसमें, सिंपल एक कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे क्लॉक रोटेट कर देंगे 3, then 2, then 4। यहाँ पर 3 दूसरे वाले डाइस में 3, then 5, then 6, ठीक है। 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, जो इनमें नहीं आया यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास अपोजिट की वैल्यूज़ का जो सिनेरियो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, यही चीज़ यहाँ मैच करनी, कितना सिंपल है, यहाँ बस मैच कर लो किस में ये सेम चीज़ें आपको दिख रही हैं। आप यहाँ पर अपोजिट देखना जानते हो, यहाँ पर अपोजिट आपको पता है, दोनों को सेम मैच करना है, खत्म हो गया क्वेश्चन, सिंपल वन। देखो यहाँ पे क्या है, आपको 3 के अपोजिट में क्या आना चाहिए बेटा, 3 के अपोजिट में 1 आना चाहिए। यहाँ पे 3 के अपोजिट में 1 आ रहा है, ठीक है, दैट इज फाइन, ओके। यहाँ 5 के अपोजिट में आपको चाहिए 5 के अपोजिट 2 आना चाहिए बेटा। यहाँ देखो 5 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि ये आकृति नहीं चाहिए हमें भाई। 5 के अपोजिट में 2 चाहिए ना आपने, यहाँ 5 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। इधर देखते हैं 1 के अपोजिट क्या चाहिए बेटा, 1 के अपोजिट आपको चाहिए 3, हाँ ठीक है, 1 के अपोजिट 3 आ रहा है। 5 के अपोजिट क्या चाहिए आपको, 2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, 4, देखो 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, 4, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो बेटा 1 के अपोजिट क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, 1 के अपोजिट 3 है ना, यहाँ 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। बचा हमारा फाइनल, तो देखो बेटा 3 के अपोजिट क्या है, 1, सिंपल। 4 के अपोजिट क्या चाहिए था आपको, 5, तो देखो 4 के अपोजिट यहाँ क्या चाहिए आपको, 4 के अपोजिट 6 चाहिए, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। मैंने जानबूझ करके कोई भी आंसर आपको नहीं बनाया, ताकि आप तो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हो तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, या ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा होगा। हालांकि अगर केवल 4 ऑप्शन की SSC की बात करते हैं तो उस दौरान ऐसे 4 आपको टर्म मिलते हैं, तो उनमें कोई ना कोई एक आंसर जनरली मिल जाएगा। तो आपको बस समझना था कि कैसे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, मैंने 4 में से कोई नहीं बनाया। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे स्विच कर देंगे, सपोज करो यहाँ पे 4 के यहाँ पर रख दीजिए आप 6 और यहाँ रख देंगे अगर आप 5, तो ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टाइप 2, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बेटा अभी यहाँ तक आपको जो सिनेरियो है वो आपके 3 टर्म खत्म हो गए हैं, जिसमें आपका सिंगल डाइस,
जिसमें आपका मोर देन वन डाइस और जिसमें आपका ओपन डाइस ख़त्म हो गया। अभी तीनों के बाद में जो चौथा आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा इसके पार्ट सेकेंड में, ठीक है, तसल्ली से। तब तक आप स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार 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 बोला जा रहा है आपको कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सबसे पहले आपके जो रिकमेंडेड वीडियोस हैं या आपको जो भी मटेरियल चाहिए है रीजनिंग में, मैथ्स में, सर भी प्रोवाइड करते हैं, मैं भी आपको क्लासेस दे रहा हूँ, तो उन चीज़ों को आप चेकआउट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर आपके साथ होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। अगर आप लाइक कर सकते हैं तो आप लाइक भी करिए बेटा, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें आपका फीडबैक पता चलता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखो बेटा, कोई भी अमाउंट या कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आप सोचते हैं हाँ कर दिया, बेटा आपके एक लाइक से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।